अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइट ईयर के बारे में बात करी थी, अब हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखें, लाइट ईयर की तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इस्तेमाल होता है एज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, ये आसान लफ्ज़ों में एवरेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है अर्थ और सन के बीच में, यानी अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, जो एवरेज फासला है, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। तो अगर आप इस फासले को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन कोई 150 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास एक फ़िगर आएगी, और अगर माइल्स में करेंगे तो 93 मिलियन माइल्स के करीब एक फ़िगर आएगी, जो कि इक्विवेलेंट होगी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। अब देखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तब इस्तेमाल होता है जब विद इन सोलर सिस्टम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस मेजर करना होता है, ठीक है ना, सोलर सिस्टम के अंदर। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो दो प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन देखें, हम जब सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं और दूर स्टार्स की बात करते हैं, गैलेक्सीज़ की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर लाइट ईयर को एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इस्तेमाल करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये एक आसान सा फ़र्क है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में और लाइट ईयर में। अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।